ओ भाई, वो देखे परसों वाला पत्थर धारकोट के बिना बिल्कुल पास में पहुंच गया। ये मिली है बुडना, ये ऐसी टेस्टी होती है, बड़ी गजब का टेस्ट होता है यार इन पे। इसे कहते हैं बुतरून। दिन की 1:30 बज चुकी हैं और अभी जाके यार मैं थोड़ा सा फ्री हो पाया हूँ। ये है भाई हमारा किचन और इसमें चावल चढ़ा दिए हैं और इस वाले कुकर में दाल उबालने के लिए रखी हुई थी जो कि उबल गई है। टमाटर काट दिए हैं। थोड़ी देर में अभी खाना बना देता हूं क्योंकि आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अभी तक मेरा खाना नहीं बन पाया है। तो हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रतूड़ी ब्लॉग्स और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से। मेरे गाँव का नाम है मांदरा बासठ जो कि डिहरी ज़िले में पड़ता है। बर्तन धुल लें तो दिन का टाइम है, लोगों का खाना पीना हो चुका है और बाकी के काम लोग निपटा रहे हैं इस समय। मालडे के पेड़ों पे तो आजकल यार फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं बस। तो अभी भाई शाम की बज चुकी हैं 4 और आज हमारे साथ घूमने के लिए एक और कैंडिडेट साथ में है, रमन। रमन बीच में गायब हो गया था 1-2 दिन के लिए लेकिन अभी आ चुका है वापस। तो आज रमन मैं और सर्वेश जा रहे हैं भाई घूमने के लिए ऊपर सड़क की तरफ और देखते हैं आज किस ओर जाते हैं। अब हमने यहाँ कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जहाँ हम घूमे ना हो, तो आज भाई वापस से कुंडी की तरफ घूमने चलते हैं। अभी कुंडी का प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है और आज यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं, लेकिन भाई जगह नहीं होगी, मतलब सेम जगह नहीं जाएंगे, जगह नहीं है। मंदिर से होते हुए सामने की तरफ जाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे वहाँ से गांव का व्यू। उसका नाम है खाया का बिट्टा और वहाँ का नाम सर्वेश बता रहा है भाई खाया का बिट्टा ऐसा कुछ कहते हैं। तो आज उस तरफ जा रहे हैं, मतलब हर कोना जहाँ का भी जैसा भी नाम हो हर कोना हमने इस बार कम्प्लीट करना है, हर जगह जाना है ताकि भाई वहाँ से क्या नज़ारे रहते हैं और वहाँ क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं वो चीज़ें भी देखते हैं। आजकल सब्ज़ियाँ काफ़ी ला रहे हैं हम जंगली, तो वहाँ देखते हैं सब्जी है परसों वाले की नहीं। थैला लाना भूल गए, पर हमेशा की तरह थैला लाने भूल गए। देखिए इस ओर आ चुके हैं, ये सामने दानिया का मंदिर दिखाई दे रहा है, नीचे गांव भाई इन पेड़ों की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है और कुछ ऐसा है यहाँ का रास्ता। तो पता नहीं हम कब से आ रहे होंगे भाई, बचपन में आए होंगे कभी इस रास्ते पे। खतरनाक झाड़ी है भैया आज भी भाई, बहुत ऊपर आ गए हम। सब्जी के लिए आए थे यहाँ बुडना जो परसों लाया था ना मैं यहाँ ऊपर से, तो यहाँ अभी सर्वेस देख तो रहा है 1-2 मिल गए उसको। बाकी देखिए कितनी दूर दिखाई दे रहा है मंदिर और वो देखिए नीचे हमारा गांव दिखाई दे रहा है। तो भाई आजकल सब्जी की तलाश में जगह जगह चले जाते हैं क्योंकि भाई वो सब्ज़ी इतनी टेस्टी हो रही थी ना उस दिन जब मैंने बनाई थी, इतना ख़तरनाक टेस्ट था ना उसमें। और ये यहाँ उसके पौधे दिखने शुरू हो गए हैं, ये है बुडना का पौधा। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं और सर्वेस अभी तोड़ रहे हैं वहाँ से, ये देखिए दिख तो रहे हैं भाई यहाँ बुडना। बुडना की सब्ज़ी तोड़ते तोड़ते भाई हमें पता ही नहीं चला हम इतने ऊपर कब आ गए। देखिए यहाँ धारकोट वालों के ना मकान दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल धारकोट के बिना बिल्कुल पास में पहुँच गए हम भाई, पता ही नहीं चला। और एक बार मतलब दिख जाते हैं ना धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ते गए हम उन्हें देखते देखते, तो अभी इतने नहीं मिले हैं, जब खूब मिल जाएंगे ना फिर मज़ा आएगा भाई। क्योंकि सब्ज़ी बना के फिर थोड़ी सी होती है, इसके पतौड़े भी बनाए जाते हैं पकौड़ी टाइप की, जो पतौड़े होते हैं ना वो बनाए जाते हैं इसके। तो अभी देखते हैं, अभी ढूँढ रहे हैं सर्वेस को काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। वो देखिए भाई कहाँ आ रखे हम, वो देखिए हमारा गाँव नीचे। तो ये देखिए भाई इतनी मेहनत के बाद ये मिली है बुडना, इतनी सब्ज़ी निकाल दी है और अभी उसके पौधे ना यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं भाई, इतनी चढ़ाई चढ़ी हमने। ये देखिए नीचे कैसा है, अगर पाँव फिसला ना, हाँ महसूस भी नहीं हुआ, पता नहीं चला ना क्योंकि ध्यान तो इसमें था, इनको ढूंढने पर ध्यान रहता है तब पता नहीं चलता इतना। और यहाँ इतनी तेज़ हवा चलती है ना भाई,
यहाँ का नाम ही है धारकोट। ये देखिए यहाँ बगल में घर दिख रहे हैं, ये है धारकोट के घर जस्ट वहीं पे। वहाँ से हम थोड़ा नीचे आ गए, अभी तो हम वहीं तक पहुँच गए थे पूरा। तो यार यहाँ चलते रहते भाई, तगड़ी वाली हवा, थोड़ी आवाज़ में भी आ रही होगी हवा की जो साउंड है ना। और ये देखिए कैसी पहाड़ी है यहाँ पे एकदम नीचे भाई, ये रोड़ी वालों का घर दिख रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कितने नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे को उतर रहे हैं क्योंकि भाई इतने ऊपर आ तो गए, अभी नीचे भी जाना है भाई वापस। अब वैसे अगर हमें यहाँ पौधे और दिख जाते ना तो हम उनको अभी तक ढूंढ ही रहे होते, लेकिन अभी दिखने बंद हो गए। बुढ़ना के जो पौधे होते ना वो दिखने बंद हो गए, नीचे जाते जाते ना जैसे मिलते रहेंगे बुढ़ना की सब्ज़ी वैसे वैसे उनको ले जाते रहेंगे अपने साथ। हैं ओ भाई, वो देखे परसों वाला पत्थर है जिसमें हम चढ़े हुए थे भाई, वहाँ पे आ गया हमें पता ही नहीं चला भाई। नहीं कौन चल गया, डर लगनी है, अब अभी चलेंगे। खतरनाक डर लग रही भाई यहाँ, अब आते समय नहीं चला पता कि हम इतने ऊपर कब आए। वो देखिए कैसे नीचे दिखाई दे रहा भाई पूरा पहाड़, खतरों के खिलाड़ी भाई। हवा भी ऐसी चल रही ना यहाँ, वैसे इस काम के अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ कि हम जा रहे थे घर की तरफ और हमारी नज़र पड़गी इस ओर, ये जो एरिया है ना यहाँ पे हमारी नज़र पड़गी यहाँ पे भाई। हमने देखा यहाँ पे तो और भी ज़्यादा बुढ़ना के जो पौधे हैं ना वो और भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो हम ना इस ओर ही आ गए। और अभी यहाँ भी हमें काफ़ी और सब्ज़ी मिल गई यार, मतलब आज तो इतनी सारी सब्ज़ी ले गए ना घर, कसम से मज़ा आ जाएगी, दो दिन तक खाते रहेंगे इनको। और इनकी सब्ज़ी ऐसी टेस्टी होती है, बड़ी गजब का टेस्ट होता है यार इन पे, इसलिए ना लोग ऐसी सब्ज़ी की तलाश में ज़्यादा जाते हैं। ये देखिए कितने सारे, ये हैं इनके पौधे, तो इन पे उगते हैं, ये मैंने तोड़ दिए हैं इनसे। ये देखिए यहाँ पे भी हैं, तो कुछ ऐसे मिल रहे हैं भाई हमें यहाँ पे। ये परसों मैंने बनाई थी इसकी सब्ज़ी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी थी, मैंने पहली बार बनाई थी तो इसलिए यार मेरा मन फिर करा आ जाने का। और सर्वेश ने कहा कि मुझे पता है ऐसी जगह जहाँ ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वैसे तो लोग तोड़ते रहते हैं पर यहाँ आजकल तोड़े नहीं है, इसलिए हमें काफ़ी मिल रहे हैं भाई यहाँ ये बुढ़ने के पौधे। यार अब ना हंसी भी आ रही है, दूसरे राउंड हम फिर से ऊपर पहुँच गए इनको तोड़ते तोड़ते इस ओर तो अब भाई हालत भी ख़राब हो रही है, ऊपर चढ़ रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर चढ़ रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, दो बार हो गया ऐसे, दूसरी बार आ गए हम फिर से ऊपर और अभी भी ये मिल ही रहे हैं यहाँ पर ये सब्ज़ी। देखिए भाई पिछली बार तो हम वहाँ ऊपर पहुँच गए थे, इस बार थोड़ा सा ऊपर पहुँचे, यहाँ नीचे तक पहुँच गए थे, वहाँ नीचे गांव के करीब नहर है, यहाँ नीचे ना यहाँ नीचे एक नहर है वहाँ पे पहुँच गए थे। अभी अब वापस अब तो घर की तरफ ही जाएंगे भाई, बहुत सब्ज़ी तोड़ दी, अब हालत भी ख़राब हो रही है क्योंकि भाई यहाँ ना ऊपर आते हुए जितनी हालत ख़राब होती ना उतनी नीचे जाते समय पता तो नहीं चलता है, पर ऐसी खड़ी चढ़ाई पर ना पैर दर्द करते हैं बाद में, रात को ना बहुत गंदे वाले दर्द करते हैं क्योंकि पूरा वज़न पड़ता है पैरों पर और फिर ऐसे झुक झुक के भी जाना पड़ता है कहीं पैर ना फिसले, क्योंकि एकदम ऐसे खड़ा पहाड़ है भाई यहाँ पे देखिए। तो ऐसे धीरे धीरे अब नीचे घर की तरफ चलते हैं, अभी हम गांव की तरफ जा रहे थे। और ये देखिए फिर से ये भाई ये बुढ़ने के पौधे यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ बहुत सारे हैं ये देखिए। अब क्या करें भाई, लालच आ रहा है, अब इन्हें छोड़ें कैसे, अब इनको तोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ना एक और चीज़ मिल गई है, ये जो चीज़ है ना काफ़ी कोमल होती है भाई बहुत ज़्यादा, इसे कहते हैं बुतरून, तो हमारे यहाँ बुतरून कहते हैं इसको, मतलब आग में भून के खाते हैं। वैसे ये कड़वा होती है लेकिन दवाई के काम आती है। सड़क तक पहुँच ही गए यार, और हालत ख़राब हो गई थी हमारी, गंदी वाली हालत ख़राब हो गई थी। अभी यहाँ से दिखाऊँ आपको कहाँ गए थे हम, वो देखिए वहाँ ऊपर ये धारकोट के जस्ट पास, ये सबसे लास्ट में ना जहाँ पे ये पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे धारकोट है, और उसके जस्ट नीचे हम गए थे। और परसों हम गए थे भाई यहाँ ऊपर चोटी पे, तो वहाँ से भी मैंने दिखाया था आपको अभी वो पत्थर, वहाँ भी पहुँच गए थे भाई हम, तो अभी पहुँच गए, हालत ख़राब हो गई भाई इतने ऊपर गए भाई, दो राउंड मारे हमने वहाँ ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, पूरा गला सूख गया है। पहले तो हम पानी पियेंगे भाई घर जाके, एक लोटा पानी तो बनता है, नहीं तो भाई ऐसे गला सूख रहा है इस समय बड़ा ज़बरदस्त वाला।
ये देखो ये रमन बच्चे को परेशान कर रहा है, वो बेचारा चिप्स खा रहा है, और ये देखो ऐसे ही बच्चों को परेशान करता रहता है। अभी अपने फोन ला दूंगा, अभी अभी तेरी वीडियो बना दूंगा। अला गिरेली ट्रेन। अभी भाई रमन और मैं जा रहे हैं घर की तरफ, ये तो हमारे साथ वहाँ बुड़ने के लिए गए नहीं, और ये है मेरे हिस्से के बुड़ने, और इसकी मैं बनाऊंगा भाई सब्जी अभी घर जाके। और सर्वेश लोग बना रहे हैं फतेहूर, तो फतेहूर बना रहे हैं कल खाने को, और मैं अभी खा नहीं सकता, और बिना तेल के ना मज़ा नहीं आता यार वाला, रिफाइंड में भी मज़ा नहीं आता है, सरसों के तेल में मज़ा आता है यार फतेहूर खाने का ना। तो बनाएंगे भाई, देखते हैं बच जाएंगे, अगर मैं आज इसकी सब्जी नहीं बनाता तो मैं कल देखूँगा, कल शाम को बनाऊँगा फिर। तो भाई अभी धूप भी चली गई है और मैं आ चुका हूँ अपने घर में, अभी थोड़ा सा तैयारी करते हैं भाई रात की सब्जी की, शाम की 6:30 बज चुकी हैं, आजकल धूप वैसे भी लेट जा रही है। तो आज की इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय उत्तराखंड।